जगह जी, मंत्री जी सुन रहे हैं क्या? सुन रहे हैं, आप बोलिए। मैं जोधपुर प्रकरण में विशेष रूप से आपके कहना चाहती हूं कि चिरंजीवी योजना मुंह के बल गिर जाती है मुख्यमंत्री जी के खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और कलेक्टर की विफलता से गिरती है, प्रशासन की विफलता से गिरती है। एडीएम, एसडीएम, सीएमएचओ, डिप्टी सीएमएचओ और उसके सामने मेडिकल एसोसिएशन, प्राइवेट एसोसिएशन डंका बजा के छाती ठोक के कहता है कि ये चिरंजीवी में नहीं आता। और मैं वहां कहती रह गई कि मैं चिरंजीवी में आता है, मैंने मेरी गाड़ी का गियर पता करने के बाद लगाया है। आई कुड ओवरराइड द कलेक्टर बिकॉज आई वॉज अ विजिलेंट लेजिस्लेटर, आई न्यू द रूल्स। मैं पढ़ के आती हूं। ऐसे प्रशासनिक फेलियर के ऊपर आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव और नेतृत्व की छवि छोड़िए कि आप तुरंत वहां से वो फाइल मंगाइए और मैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आज यहां टेबल करूंगी उस प्रकरण के। आपके कथित जवाब के अंदर आपका जो पन्ना आया था वो भी मैंने पढ़ा, और उस अधिकारी को सस्पेंड कर दीजिए ना जिसने वो कागज भेजा। उसने आपके जवाब के अंदर हॉस्पिटल का कथन लिख के भेजा है, हॉस्पिटल का कथन, और सीएमएचओ हॉस्पिटल का कथन लिख रहा है, तो हम किसके क्या बन रहे हैं? क्या कर रहा है हमारा प्रशासन? एब्सोल्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। आज जब आप सदन में कहें तो एक उदाहरण सेट कीजिए कि ऐसी दादागिरी करने वाले अस्पतालों का इंपैनलमेंट कैंसिल हो, जैसे सीकर के अंदर सीकर के कलेक्टर ने किया। अगर कलेक्टर नहीं कर पा रहा तो आप कीजिए। एक सरकार का विधायक इतना मजबूर हो जाता है क्योंकि प्रशासन फेल हो जाता है, क्योंकि कलेक्टर फेल हो जाता है। और गरीब की आवाज बनने के लिए हम यहां पर आए सदन के अंदर। वो आम व्यक्ति चिरंजीवी का आप अगर पढ़ेंगे तो कहता है कि ये योजना हम उस गरीब के लिए, उस आम के लिए, उस निराश्रित व्यक्ति के लिए लेकर आए। अगर उसकी हर बार क्या एक विधायक को आना पड़ेगा उस निराश्रित की आवाज बनने के लिए? क्या हम हमारे प्रशासन को जगाएंगे नहीं? क्या हम उसको संवेदनशीलता नहीं देंगे कि इस तरह की शिकायत आएगी तो हम उसके ऊपर कड़े रुख लेंगे? आज आप उसको अनाउंस करिएगा सदन के अंदर कि उसका इंपैनलमेंट कैंसिल किया जाए।